नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं बसंत बिहार में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बरौली का जो 60 से 65 फीसदी क्षेत्र है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, और इसी सिलसिले में हम आज मौजूद हैं मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत में। तो इस पंचायत का एक गांव है मटियारी, जहां पे एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुआ है। घटना ये हुआ है कि यहां पे 3 बच्चे पानी में बह गए हैं सड़क पे जाते वक्त। यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं हमारे साथ, हम उसी गांव में मौजूद हैं और ग्रामीण मौजूद हैं। हम इन लोगों से इस विषय पे बात करते हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो किस किस तरह से हुआ। तो आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम पिंकू सिंह हुआ। पिंकू सिंह, ये जो घटना है, जो 3 बच्चे डूब चुके हैं, तो ये कितने बजे की घटना है? देखिए, ये लगभग 12-12.5 बजे की घटना है। 12-12.5 बजे की घटना है। वो बच्चे शायद आने जाने के क्रम में बह गए, रास्ते पे आने जाने के क्रम में बच्चे, हाँ, बहाव तेज था वहाँ, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो आने जाने के क्रम में बच्चे, एक बच्चा पहले शायद वो गिर गया पानी में, दूसरा बचाने के क्रम में वो भी बह गया, और फिर उसको देख के जो है तीसरा बचाने गया तो वो भी बह गया। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, इन लोगों की उम्र कितनी कितने हुए? वही 10 से 12 साल के, 10 से 12 साल के, हाँ, 10 से 12 साल के बीच इनका उम्र है। जी जी। और इसी में जो है ये 3 बच्चे बह गए हैं। जी। इसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है, और उसका बॉडी मिल चुका, हाँ, उसका बॉडी मिल चुका है, और एक बच्चा जो है अभी भी जो है उसकी तलाश जारी है। जी। और जो ये बच्चे हैं, इनके पिता पिता का नाम आपको मालूम है? हाँ, इनके पिता हैं, पिता एक आदमी जो है श्री भगवान चौरसिया है, उनका एक पुत्र है जिसका अभी डेड बॉडी नहीं मिला है। जी। और एक और बच्चा है, उसके पिता का नाम मेवालाल चौरसिया है। मेवालाल चौरसिया, हाँ, उसका डेड बॉडी अभी मिल गया है। और एक और है बच्चा, उसके पिताजी का नाम संदीप चौरसिया। संदीप चौरसिया, संजीत, संजीत चौरसिया, संजीत चौरसिया, हाँ। तो ये सारे चौरसिया ही हैं? हाँ, चौरसिया लोग हैं ये लोग। एक्चुअली वो मटियारा क्षेत्र जो पड़ता है वो चौरसिया लोगों की बस्ती है। बिल्कुल। ये लोग पान के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ जी। तो यही है वहाँ। इसमें ये भी एक इत्तेफाक कहा जा रहा है कि ये 3 बच्चे थे वो अपने माँ बाप के सिंगल ही थे, इसके बारे में? ये जो है ये हम भी सून रहे हैं, हमको भी बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली मामला ये हुआ है। इधर आइए, आपका नाम? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार, जो ये 3 बच्चे थे तो ये अपने माँ बाप के सिंगल ही एक लड़के ही थे? 2 लड़का, 1 लड़का है, एक लड़का, 3 भाई है। जहाँ गुम हुआ है तो 2 व्यक्ति के 1 लड़के हैं, हाँ, जो इसमें मर गए हैं। हाँ, और एक व्यक्ति जो है उसका दो बच्चे हैं। हाँ, 3 भाई। अच्छा, ये घटना हुआ 11-12 बजे के आसपास? 12-12.5 बजे के आसपास। जी। अच्छा, अब इसमें मान लीजिए कि जब घटनाक्रम ये बच्चे डूबे, तो इसमें आप लोग कि वो बच्चे को ढूंढा, हाँ, किसने? या एनडीआरएफ को? नहीं, अभी एनडीआरएफ की टीम तो अभी आ रही है। अभी आई नहीं है? नहीं नहीं, अभी आई नहीं है। एक्चुअली 12-12.5 बजे करीब में ये घटना हुआ। 1-1.5 बजे करीब में, देखिए यहाँ जैसे आप दिखाइए, कम्युनिटी किचन चलता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे यहाँ सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे भिखारी सिंह दखलू जी हैं, ठीक है, ये लोग यहाँ थे, बैठे हुए थे, तभी इसी बीच खबर आई कि जो है बच्चे बह गए हैं मटियारा में। 3 बच्चे, हाँ, 3 बच्चे बह गए हैं। तो 2 नाव लेके ये लोग जो है, और भी तैराकों लोकल जो स्थानीय तैराक लोग हैं, जी जी, जो मछली के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तैरने में महारत हासिल है, उन लोगों को लेके ये 2 नाव से दखलू जी और भिखारी सिंह गए वहाँ, और जाके अपने से बच्चों को मतलब ये किया। तो ढूंढने क्रम में 2 डेड बॉडी मिल गया, 2 डेड बॉडी मिल गया। एक अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद प्रशासन के भी लोग आए, कर्मचारी साहब भी जो हैं, वो हमारे पंचायत के कर्मचारी साहब हैं। सीओ इस तरह के आए हुए थे? नहीं नहीं, कर्मचारी साहब तो प्रतिनिधि हैं सीओ साहब के, जी जी जी। वो यहाँ हैं, ऑलरेडी हैं वो, ठीक है। थाना प्रभारी ने भी रिस्पांस लिया, वो तुरंत थाने के लोग भी आ गए, वो दोनों डेड बॉडी को भेज दिया गया है गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज। और एक, हाँ, पोस्टमार्टम के लिए नहीं, और एनडीआरएफ नहीं मिला है। टीम तो अभी बाढ़ में घूम रही है? नहीं नहीं, तो एनडीआरएफ तो कहीं गोपालगंज सीमा से आना नहीं है। हाँ, कर्मचारी साहब जो है एनडीआरएफ के टीम से बात किए हैं, तो एनडीआरएफ के टीम वाले लोग जो है बोले हैं आने के लिए, अब उसी का इंतजार हो रहा है कि वो लोग आए तो डेड बॉडी को जो है ढूंढा जाए। एनडीआरएफ की जो टीम है अभी तो फिलहाल मौजूद है क्षेत्र में, हाँ, तो उसको आने मौजूद है। हृदय विदारक जो घटना हो गई है, 3 बच्चे बह गए हैं,
उस परिस्थिति में भी ये लोग आ नहीं रहे हैं, तो इसमें नहीं ऐसा नहीं, इसमें ऐसा कुछ इस पर कमेंट हम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे है कि रिस्पांस लिया है लोग, वो लोग बोल रहे हैं आने के लिए, तो लिए हैं बात ठीक है, लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि मान लीजिए कि तीन तीन बच्चे बह गए हैं, अब इससे बड़ी घटना तो इस क्षेत्र में अभी तो कहीं दिखाई नहीं देती है। नहीं ठीक है, ये तो बहुत हमारे जो भी टीम है, हमारे पंचायत के लिए बहुत दुखपूर्ण घटना है, और आप देख रहे हैं जैसा कि हमारा पंचायत सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बिल्कुल आप देखिए, मतलब आने जाने में लोग, आप उधर भी दिखाइए लोग जा रहे हैं कैसे, कितना कमर भर पानी, छाती भर पानी में जो है जा रहे हैं, और जो है इसी तरह आने जाने क्रम में लोग बह जा रहे हैं। जी ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो कि मोहम्मदपुर मटियारी का एक चीज़ और आप किया जाए, ये उसमें से जो भिखारी सिंह और दखलू जी जो गए लोग, उसमें दखलू जी मौजूद हैं, इनसे भी आप पूछ लीजिए कि ये लोग कैसे बचाए, ये ज़्यादा अच्छा है। आप घटनाक्रम पे वहाँ पे गए हुए थे, गए थे वहाँ, तो बच्चा जो है तो वो नीचे जो जमीन में था, तो हम लोग पौड़ कर उसको, मैंने नीचे से डूब कर उस लोग उन दोनों बच्चों को खोजा है। जी ठीक है, और एक बच्चा नहीं मिला है। तो कितने गहरे पानी में? लगभग 7-8 फीट। 7-8 फीट गहरे पानी में था जी। और आप लोग नाव से गए हुए थे? जी यहाँ से हम लोग नाव से गए हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ जाकर हम लोग नीचे पौड़ पौड़ कर उसको उन लोग को जाकर खोजे हैं, और एक बच्चा नहीं मिला। और दोनों बच्चे जो थे आसपास में ही, उनको बड़ी थी या कहीं अगल बगल में, मैंने यहाँ से लगभग 10-20 डेग के मैंने दूरी पर लोग दूरी पे थे। लेकिन और भी आप लोग ढूंढे होंगे, लेकिन तीसरे बच्चे की पता नहीं, तीसरा नहीं मिला है। तीसरा को बहुत मैंने हम लोग प्रयास किए, बहुत खोजे, जो बच्चे की बॉडी मिल चुकी है उनके पिता का नाम आप बता सकते हैं? जी उनका एक मेवालाल चौरसिया नाम है, उनका लड़के की बॉडी मिल चुकी है। दूसरा है चंदीप चौरसिया, चंदीप चौरसिया। एक है श्री भगवान, जो नहीं मिला है लड़का, श्री भगवान चौरसिया के लड़के का अभी बॉडी नहीं मिला है। और जो ढूंढने का कार्य है वो अभी जारी है, स्थानीय लोगों के द्वारा ही जारी है, जैसा कि एनडीए की जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो तो अभी नादान है, वो अभी नहीं है जी। कोई यहाँ के लोकल जो लीडर है वो भी यहाँ पे आए हुए थे? नहीं, लीडर आए नहीं है, लेकिन माननीय राम प्रवेश जी अभी कॉल किए थे जी। इस घटना के बारे में माननीय राम प्रवेश जी पूछे हैं, उनके सुपुत्र राकेश बाबू जो हैं वो अभी फोन किए थे हमको, वो बोले कि हम आ रहे हैं, वो घटना के बारे में जानकारी लिए, और राकेश बाबू भी बोले कि हम आ रहे हैं जी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बाढ़ जो है एक पूरी तरीके से जो तीन तीन घरों को यहाँ पे मोहम्मदपुर नीलामी में उजाड़ दिया है। इस बाढ़ की क्रम में तीन बच्चे बह गए हैं, जिसमें से दो बच्चे की बॉडी तो मिल चुकी है, लेकिन तीसरे बच्चे की बॉडी अभी तक मिल नहीं पाई है। और जो एनडीआरएफ की टीम की जहाँ तक इसमें बात किया जाए, तो एक शर्मिंदगी भरा ही उन लोगों का कदम होगा, क्योंकि वो लोग इसी क्षेत्र में मौजूद हैं, बरौली के क्षेत्र में मौजूद है, कहीं से दूर से उनको आना नहीं है। लेकिन फिर भी यह घटना करीब 11 से 12 के बीच की है, लेकिन अभी तक हम यह जब वीडियो बना रहे हैं, करीब 5 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ की टीम की इस गांव में फिलहाल अभी तक कोई मौजूदगी नहीं है। जो तीसरे बच्चे की बॉडी है अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है, जैसे ही उसकी बॉडी मिलेगी हम आप लोगों को इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। जो उसके घर के जो भी ये बच्चे डेड हो चुके हैं, इनके घर तक हम नहीं जा पाए, वहाँ पे बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था, वहाँ पे हम किसी का स्टेटमेंट लेना उचित नहीं समझे, इसलिए हम वहाँ से कुछ दूर यानी आधे किलोमीटर की दूरी पे जो उसी गांव के ये लोग हैं, इन सभी लोगों से हम ये स्टेटमेंट लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।